नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद। आइए गुरुजी। तुम्हारी कॉटन फैक्ट्री में आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट हुआ था, फिर पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने की बहुत कोशिश की पर पूरी फैक्ट्री जल गई गुरुजी। नुकसान की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें 10 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई। 25 लोग उस आग में अपाहिज हो गए और आखिरकार हमें वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये मिल मेरे दादाजी ने शुरू की थी। मेरा बड़ा भाई और भतीजा इसे संभालते थे। ये मेरा छोटा भाई है। इसके कपड़ों के एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, इसलिए ये यहाँ सब कुछ छोड़कर विदेश में सेटल होना चाहता है। मेरी बेटी की हालत देखिए। इसकी मंगनी के दिन ही इसके साथ एक हादसा हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से अब ये चल फिर नहीं सकती। इनकी बड़ी बेटी ने भी अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरी जाति के लड़के से ब्याह कर लिया और अपना घर बसा लिया। शादी के बाद उनके घर में दो बच्चे हुए, लेकिन एक फ्लाइट क्रैश में पति पत्नी की जान चली गई। तब से लेकर अब तक मुसीबत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है गुरुजी। कुलदेवी के श्राप की वजह से तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जहां तक मुझे याद है गुरुजी, हम कभी भी अपने कुलदेवी के मंदिर नहीं गए। इंसान पैसा कमाने के लालच में बस भागते रहता है और गांव की कुलदेवी को भूल जाता है। तुम लोगों ने वही गलती की है। पर गुरुजी, हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? प्रतिदिन पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, परंतु वर्ष में एक बार कुलदेवी की पूजा होनी ही चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों से ये पूजा होती आई है और गांव में सिर्फ कुलदेवी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पितृदेवता भी हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानती गुरुजी। जो भगवान को नहीं मानते उनके भी कुलदेवता होते हैं बेटी। जिस प्रकार तुम लोगों के शरीर में तुम्हारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, उसी प्रकार कुलदेवी के मंदिर में भी तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को 2 दिन गांव में रहकर नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे और दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस पूजा में उन 2 बच्चों को भी लाना होगा गुरुजी? बिल्कुल लाना है। तुम उन्हें अपना मानो या ना मानो, खून तो आपका ही है ना। वो आएंगे तभी आपकी पूजा संपन्न होगी, समस्या का समाधान होगा। वो बच्चे कहाँ और किसके साथ रहते हैं पता है? ये मैनेजर ही उनके टच में है, यही जानते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। वो दोनों बच्चे एक बड़े ऑडिटर के साथ रहते हैं। ऑडिटर का जो गोद लिया हुआ बेटा है वो 24 घंटे उन बच्चों की देखरेख करता है और वो बच्चे आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी के वारिस हैं। अगर फैसला मेरे हक में नहीं आया तो तेरे दोनों बच्चे जान से जाएंगे। अगर बच्चों को खरोंच भी आई तो अच्छी तरह समझ लो, बहुत बुरा होगा। ए, पुलिस के दम पे इतना उछल रहा है क्या? तेरी पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तेरे बच्चों के साथ साथ स्कूल के 40 बच्चे और 2 टीचर भी मारे जाएंगे। पास में ही अभी पहुंच जाएंगे। ये। ए, सारे बच्चे डर के मारे रो रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पे हंस रहे हो। डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों, तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने आ रहा है क्या? आ नहीं रहे, आ चुके हैं गॉडफादर। हाँ हाँ, आने दे, उसे भी ऊपर पहुँचा देंगे। देख वो जज के बच्चे कहीं जा ना पाए। मेरे पास आ जाओ जल्दी। ए, बस चला दे।
साहब, फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं सजा दे चुका हूँ। All the children are safe. Thank you, Mr. Panyan. Yes. ये देखिए माँ, मैंने बहुत सारे घर ढूंढे, इसमें से ये अच्छा है। गायत्री, ये घर जैसा तो नहीं, पूरे राजमहल जैसा लग रहा है। राजमहल जैसा नहीं, राजमहल ही है माँ। बेटियापुर राजमहल। इस घर में बहुत सी मिस्ट्रीज होंगी। अब मिस्ट्री क्या है जानने के लिए तुम रात में ही मत निकल जाना। मेरा पीके एचएच हो जाता है, मतलब पोपट क्यों होता है यहाँ? भूत भालू क्यों परेशान करते हो? चाबी हाथ में लेते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। ए मम्मा पापा, कौन सा पाप किया था? हर बार ये भूत डराते हैं। इसकी जगह अगर चांद पे प्लॉट छोड़ते तो वहाँ मैं हरे मसाले की खेती करता। अच्छा हुआ नहीं छोड़ी, अगर चांद पे मैं खेती करता तो वहाँ पानी कौन लाता मेरा बाप? लेकिन तुम लोगों ने मेरा WLD कर दिया, वाट लगा के फूट लिए। कुछ नहीं तो सिंगल पट्टी रोड खरीद देते। गलती से अगर वहाँ पे बैलगाड़ी आ जाती तो मैं उससे टोल वसूल करता, जिससे इस गरीब का सीपी निकलता, यानी कि चाय पानी। तुमने विरासत में क्या दिया? ये भयानक भूत महल जिसमें भूत रहते हैं, इसको मेंटेन करते करते मैं खुद गरीब बन गया हूँ। ना ये किराए पे जाता, ना ही कोई खरीद रहा है, और अंदर रह नहीं पाता, डर लगता है। इस राजमहल में 45 से भी ज्यादा कमरे हैं। हमारी पूरी फैमिली के लिए ये घर बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से हमें इससे बेहतर घर नहीं मिल सकता। एक और खास बात पता क्या है? इस राजमहल से हमारी कुल देवी का मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इसमें ऑप्शन दिया है, या तो हम इसे रेंट पर लें या इसे हम खरीद लें। कौन चंदा मांगने आ गया? ये तो चंदा का पति लग रहा है। देखो पहले ही बता रहा हूँ, चंदा 5 साल पहले काम करती थी और मैंने उसे नहीं भगाया, वो खुद चंदू के साथ भाग गई है। लुंगी और कच्चा लेके भागी है मेरा वो। क्या बकवास कर रहा है, मैं चंदा का पति दिख रहा हूँ। अरे भैया जी क्या कर रहे हैं, ये हमारे महल को किराए पर लेने आए हैं। कहाँ से पकड़ रहा है इसे? ये हमारे इस आलिशान महल के मालिक है, इनका नाम है OTP। हाँ, ओनर। ये ओनर है? हरकतें तो नौकरों जैसी है। ए, संभाल के उतारना। हाँ ठीक है। ओनर मेरी शक्ल ही नौकर वाली है। इस महल में कौन सा कमरा कहाँ पर है, हमें ओनर से पता करना पड़ेगा। आ गया आ गया आ गया, मैं बताना भूल गया। क्या? दोनों तरफ बड़े बड़े कमरे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में रोमिंग लगती है। आप चाहे खेलो कूदो नाचो गाओ रील बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउथ की तरफ जाके मत नाचना। क्यों, वहाँ तेरी सास रहती है? मेरी सास तो वहाँ नहीं रहती है, लेकिन अगर तू आ गया तो तेरी सासें बंद हो जाएगी। क्या 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 क्या? नहीं मतलब, जिस मिस्त्री ने ये काम किया था वो अपनी एक आंख से कान्या था, इसलिए उसने नॉर्थ का काम किया, लेकिन कान्या था इसलिए साउथ का काम करना भूल गया। अगर तू वहाँ जाएगा ना, तेरे सर पे छत गिरेगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम लोग भी कान्या हो क्या? उधर नहीं, इधर इधर जाना है। कितने लोग हैं गिन के रखना पड़ेगा, एक आध कम ना हो जाए। तीन चिगाड़ आराम से चलाओ वरना काम बिगाड़ा हो जाएगा। या सीधा जाके राइट लेना, पूरा ढलान है, एक बार धक्का दे दो वो खुद ही पहुँच जाएगी। ओके, पता करो वो बच्चे कहाँ तक पहुँचे। ये चलो
आजा बच्चे। मुझे भी अंदर हो मामा। मिशन सक्सेसफुल। लेट्स गो। या लेट्स गो। बैग अंदर लेकर आओ भाई। सबसे पहले अंदर कौन पहुंचता है? हाय सर। हाय मैम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते कर। तू भी कर ना। नमस्ते। तो यही है इनका रखवाला। मेरी बात सुनो, जाके ना नानी का हाथ चूम लो। नानी आप बिल्कुल हमारी मम्मा जैसी दिख रही हो। हमेशा आपको फोटो में ही देखा था, आज पहली बार सामने से देख रही हूँ। मम्मा सुबह उठ के पहले आपकी ही फोटो देखती थी नानी। ठीक है दूर हटो, हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। ज्यादा मस्का मत लगाओ। नाना माँ नानी बोल के पास आने की जरूरत नहीं है मामा। अच्छा अच्छा। इन्हें थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। मामा ये हमें दूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब लोग कार्टून हैं। अरे इनको इग्नोर मारो, हम लोग मजे करेंगे, आ जाओ। ए ओटीपी क्या है? उनको कमरा सोच समझ के देना, हमारे कमरों के आसपास दिया ना तो देख लेना। मेरे को एमकेएनएस समझ रहा है, मतलब मालिक को नौकर समझ रहा है। ये लट्ठा एटीट्यूड मेरा होना चाहिए। बच्चों के साथ कोई तो लोचा है, पता करूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। पहले ले फिर राइट। आओ बच्चे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल, लोकेशन भेज दो। सूज़मी हाँ, इसको मैंने चोर बाजार में देखा है। इसको क्या? भी मैंने कहीं भीख मांगते देखा है। कहाँ देखा है, मंदिर के बाहर या स्टेशन पे? अरे अत्तर लगाया है रे। ए भैया तू यार बीबी है क्या? बिन बुलाया बाराती। अबे खारे पानी के छींगे, बिन बुलाया बाराती बोलता है मुझे? मैं दूल्हा हूँ और सुहाग रात है। फ्री फ्रेंड का बाराती है? अबे इसी घर का मेंबर हूँ बे। चलो महल में खेलने को खिलौना मिल गया। ए सुन। हाँ बोल। यहाँ तू किसी को भी बाटली में उतार सकता है, लेकिन मैं खुद बाटली हूँ, मुझे कैसे उतारेगा? चल सच का पिटारा खोल। कान के पास आ। उन दोनों बच्चों का इस घर से कनेक्शन है, लेकिन मेरा इस घर से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं वो वायर हूँ जो इन बच्चों का कनेक्शन जोड़ूंगा, समझा? एक बात बता, तू काहे को इस हॉल में घूम रहा है बे? ओनर। वही तो, ओनर कौन है यहाँ का? अरे हॉरर फेस है तो मैं क्या करूँ? मेरे को लगा कचरा लेने आया तू। कचरे वाला? अब के चंदा मांग के प्लास्टिक सर्जरी करवा लू। बच्चों का काफी लगाव है तुमसे, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और क्या, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने बच्चों से। हाय। हाय। मैं हूँ पांडियन, इन बच्चों का गार्डियन। हाय। आपके पैर को क्या हुआ मासी? एक्चुअली यहाँ ना कुछ नहीं हुआ है। बेटा कुछ लोग नक्चड़े होते हैं, बुरा नहीं मानते। टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हो जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, मेरे जाने से पहले इन बच्चों का करियर भी सेट हो जाएगा और आप भी फुटबॉल खेलने लग जाओगे। एकदम पॉजिटिव सोचना, हम सबको सब बढ़िया होगा। यस, एक दिन तुम दोनों को ये सब प्यार करेंगे। चलो थोड़ा ब्रेक लगाओ, घर के मालिक ने हमें वहाँ ऊपर नहीं नीचे रहने को कहा है। ठीक है ठीक है, नीचे की खोली में रह लेंगे, अपना क्या। जाओ जाके सो जाओ। ये मोटा अभी तक सो रहा है? उठ जा मोटे, कितने सपने देखेगा। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग भांजे। चलो चलो नाश्ता करते।
कोयल कहाँ कूक रही है? अरे कोयल नहीं, बुलबुल। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी है माँ जी। महल के पीछे हमारा घर है। दूध वाले की बेटी हूँ। ओह, इतनी बड़ी और सुंदर रंगोली बनाई है तुमने, अब बाहर कैसे निकलोगी? मेरा घर छोटा है तो इसलिए वहाँ छोटी रंगोली बनाती हूँ। पहली बार इतने बड़े आंगन में बनाया तो पता नहीं चला रंगोली इतनी बड़ी हो गई। अगर कोई अपना हाथ देगा तो मैं पकड़ के आराम से बाहर आ जाऊंगी। प्लीज होल्ड माइन। हाथ दीजिए ना। देखा क्या, इन दोनों को घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी। हाथ तोड़ दूंगी। अरे दीदी, हाथ तोड़ के क्या फायदा, मैं तो कहता हूँ इन दोनों की नसबंदी करवा दो। लगता है इसको क्रेन से उठवाना पड़ेगा। ये लो, ये भी अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहे हैं। पापा, बड़े खुश लग रही हो बेटा। वो महल वाले मेरी रंगोली देख के खुश हो गए, बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम्हें महल के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? अभी तो सिर्फ मैंने बाहर से देखा है, लेकिन एक दिन अंदर जाके जरूर देखूंगी। अरे वहाँ कौन सा लाल किला है जो देखने जाओगी? इस महल के बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है। हम जब से यहाँ आए हैं महल को एक बार भी अंदर से नहीं देखा। कितने बड़े बड़े कमरे होंगे, प्राचीन कलाकृतियाँ होंगी। अरे लेकिन वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जाने देंगे, मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी, अंदर जाके ही रहूंगी। बहुत जिद्दी है। अरे बच्चे भी ना। अरे जल्दी आओ यार। अरे क्या बात है मेरे वरुण धवन। मामा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बस एक मिशन के लिए बेटा। मामा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम तुम्हारे कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं। देखो क्या है ना बेटा, इस परिवार ने तुम्हारी मम्मी को बहुत तंग किया है और हमें इन्हें खुश करना है, इसलिए मंदिर तो हमें जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सब एक हो जाएंगे। यही तो हमें मंदिर जाके मांगना है। यस, चलो मैं भी चलता। ये क्यों मंदिर आ रहा है? पता नहीं, इसको आपने आने के लिए कहा। नहीं तो दीदी, आपने बुलाया इसे? तुम लोगों ने इसे बताया नहीं कि मंदिर हम सिर्फ बच्चों को लेकर ही जाएंगे? ओए, जब तेरे को बोला यही रहना है तो यही रहना है, समझा कि नहीं? वो हमारे परिवार की कुल देवी है, तेरा वहाँ क्या काम? सिर्फ बच्चे जाएंगे, तू जा। मैडम, इन बच्चों का अपने से ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि बच्चे मेरी जान है। बच्चा पार्टी, भगवान से हाथ जोड़ के ना प्रार्थना करना कि इन लोगों के भेजे में कल आ जाए, खास कर नानी के। मामा, मामा। है? तुम लोग मंदिर नहीं गए क्या? अभी हमारे लिए सब कुछ है, जाने दीजिए उन सबको। हाँ मामा। इतने बड़े हो गए तुम लोग। मैं भी तुम्हारे बिना एक मिनट दूर नहीं रह सकता। अरे मास्टर, गांव में किसी की गाड़ियों की लॉटरी लगी है क्या? क्यों, तू नहीं जानता है क्या? नहीं तो बेटिया, पूरम राजमहल में एक नया परिवार रहने के लिए आया है। मतलब आज तो इन सब की मौत पक्की है। इनकी किस्मत में ही मरना लिखा है। दिव्या तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके। का क्या हाल हो गया? मंदिर के आसपास जंगल है सुना था, लेकिन यहाँ तो मंदिर ही पूरा जंगल बन गया। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा, हमने इस मंदिर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, इस वजह से इसकी यह हालत है।
और इसीलिए हमारे परिवार पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। ओम दुर्गाय नमः। तो आखिर तुम सब आ ही गए, अभी आने का समय मिला। संकट आने के बाद कुलदेवी की याद आई तुम लोगों को? वो कहाँ है? वो नहीं आया क्या? उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में। वो आएगा, वो आएगा। ये कहाँ चले गए? प्रणाम पंडित जी, यह हमारी कुलदेवी का मंदिर है, लेकिन ये ऐसी हालत में क्यों है? 60 साल पहले आया मैं इस मंदिर में पूजा करने के लिए, तब से ये मंदिर इसी हालत में है। हम नवरात्रि के दिन दीप जलाकर यहाँ दुर्गाष्टमी के दिन एक बड़ी पूजा करवाना चाहते हैं। ऐसा करवाने से हमारे परिवार पर आया हर संकट टल जाएगा। एक समस्या के समाधान के लिए आप दूसरी समस्या में फंसने आ गए। वहाँ दीप नहीं जला सकते, वहाँ रोशनी नहीं हो सकती, वो रोशनी होने ही नहीं देगी। वो कौन है स्वामी जी? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? अगर मंदिर में रोशनी हो गई तो शक्तिशाली हो जाएगा वो। कौन? वैटया। हम लोगों को मंदिर के पास एक स्वामी जी मिले, वो भी किसी के आने की ही बात कर रहे थे। कहीं वो वैटया तो नहीं है ना पंडित जी? तो उनसे मिल चुके हो? जब मेरे दादाजी उनसे मिले थे तब भी वो ऐसे ही थे। अब मैं खुद 70 साल का हो गया हूँ तो उनकी उम्र क्या होगी, इसका हिसाब लगा लो। तो मरने के बाद तो सब राख बन जाते हैं, उसी राख को अपने शरीर पर लगाकर कब से मृत्यु के लिए भटक रहे हैं। अगर बड़े संकट से बचना है तो यहाँ पूजा की जी छोड़ दो, चले जाओ चुपचाप यहाँ से। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन हम यहाँ से बिना पूजा किए हुए नहीं जाएंगे। अब उससे सामना होना अगर आपके भाग्य में लिखा ही है तो भला उसे कौन टाल सकता है। चलिए जैसी भगवान की इच्छा, जाइए साफ सफाई कीजिए मंदिर की, देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट रुको। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए? सब ठीक करने के लिए। मेरी एक छोटी सी इच्छा थी। बोलिए बोलिए ना। मैं पूछूं? हाँ पूछिए। मुझे एक बार इस महल के अंदर जाकर सब कुछ अंदर से देखना है। क्या तुम किसी तरह मुझे अंदर ले जा सकते हो? ये आपकी इच्छा है क्या? हाँ। ओके, लेकिन जब सब सो रहे हो तो चुपके से आ जाना। मैं रात को खाना हजम करने के बहाने दरवाजे के पास ठहरूंगा, तब आना सही रहेगा। आओगी ना? यार खाना तो हजम भी हो गया। हाँ? हाँ? आजाओ, आजाओ। आओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। हाँ? कितना आलीशान है। हे, नहीं नहीं, ऊपर नहीं, उस तरफ नहीं। क्या हुआ? ऊपर सारे भूत सो रहे हैं। हाँ? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, उस तरफ भी जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ? मजा तो वहीं जाने में है ना। चले आजाओ, आजाओ, आजाओ। भूत आए तो मुझे पकड़ लेना। आजाओ। कहीं दीप जले कहीं संदीप। हाँ, संदीप को फोन करने का। अरे सुनो ओटीपी, इधर आओ। चाय लेकर आओ क्या? इस महल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? मेरे पास है, और किसके पास होंगे? मेरे पास का महल है। डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे बगल में प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी,
मेरा महल इन लोगों के गले डाल दो है। अरे वाह, तू तो मेरे लिए भगवान निकला। खुश हुआ खुश हुआ खुश हुआ ओम तिवारी खुश हुआ। अरे क्या कर रहा है, जाओ जाकर डॉक्यूमेंट। हाँ अभी मेल करता हूँ। मंदिर की पेंटिंग के लिए आपने जिन्हें बुलाया था वो यहाँ आ गए हैं। इनका नाम गोपाल है, मतलब गोलमाल। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। 17 साल पहले इस पूरे घर की पेंटिंग इन्होंने ही की थी। गोपाल मेरे लाल, इसका हाल तो टीएचबी मतलब टूटे हुए ब्रश की तरह हो गया है। लगता है 400 बीसी में अंदर था। मैंने तुझे गटर में, नाले में, म्यूनसिपालिटी के कचरा पेटी में, यहाँ तक की छचुंदर के बिल में भी ढूंढा। कहा था तू? इन्होंने मंदिर को साफ करने के लिए मुझे बुलाया है, ये पैसा भी देंगी। अरे बाप रे, सिर्फ सफाई करना, मंदिर का माल साफ मत करना। आपने मंदिर तो देख लिया होगा। हाँ, यहाँ आने से पहले सुबह ही देख लिया था, उसमें बहुत काम है। यहाँ आसपास कोई मजदूर भी तो नहीं मिलेगा। जुए तो ऊपर तैर रही है। मुझे शहर से मजदूर बुलाने पड़ेंगे, इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा, आप सोच लीजिए। मैं अपने मैनेजर के हाथों 2 लाख रुपए भिजवाती हूँ, तुरंत काम शुरू करवाइए। मैं भी चाहता हूँ जल्दी शुरू कर दूँ, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारे लिए क्यों? आप लोग ये जगह जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतना ही अच्छा होगा। क्यों? आप लोगों में से कोई दक्षिण की ओर तो नहीं गया ना? नहीं गए। उधर बिल्कुल मत जाना। ये बहुत बज रहा है, इसको ऑफ कर दूं? दीदी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब बताता हूँ। बात ऐसी है कि पहले जो किराएदार थे वो सबके सब निगेटिव थे, उनमें एक ही चीज पॉजिटिव थी, वो थी कोरोना। वो दक्षिण वाले कमरे में ही रहते थे और आज तक वो सैनिटाइज नहीं हुआ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार वहाँ पेंटिंग कर रहा था तो मैंने किसी का साया देखा और मैं डर गया, फिर रात को मुझे दौरे पड़ने लगे। मेरे कस्टमर को भड़काता है, पहले तो माल फूकना बंद कर, और अगर इनको भड़काया ना तेरी मुझसे उखाड़ के ब्रश बना के तेरे मुंह पे कलर पोत दूंगा। चल निकल, निकल यहाँ से, जाकर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट कर। बड़ा आया दीदी, आया 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 आया। हाँ दीदी जल्दी से आप महल खरीद लो, क्योंकि मुझे हरिद्वार जाना है, लेकिन उससे पहले मैं थाईलैंड जाऊंगा। पाप धोने से पहले पाप करना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही बोले। ये तो ज्ञान मत दे। माता जी देखिए, मुझे लगता है कि घर के कागजों का काम कभी भी किया जा सकता है। लेकिन पहले पूजा करा लीजिए। ठीक है, पहले हम मंदिर में पूजा कर लेते, उसके बाद इस बारे में बात होगी। ओके थैंक यू। बेटा माहौल ऐसा बनाऊंगा कि महल कभी बिखरेगा ही नहीं। आप लोगों में से कोई दक्षिण की ओर तो नहीं गया ना? उधर बिल्कुल मत जाना। क्यों चिल्ला रहे हैं सब? क्या हुआ यहाँ? माजी माजी डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी सास है ना, वो चिल्ला रही है। लेकिन वो चिल्ला क्यों रही? एक दिन ऊपर दक्षिण की ओर वाला कमरा साफ कर रही थी ना, वहाँ कुछ देखा और चिल्लाने लगी। इन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, खर्चे की परवाह मत। अभी दवाई देते ही ठीक हो जाएगी, आप घबराइए मत। इतना डरावना मुंह है, मास्क पहना के रखो। चलो भाई चलो। ये चल क्या रहा है? जरूर डीएम के यानी की दाल में कुछ काला है। सालों बाद उस औरत ने चीख मारी है,
मतलब महल में नहीं, इन लोगों में से कोई भूत है। ये भूतों का कॉन्ट्रैक्टर लग रहा है, इसी से बात करता हूँ। आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है यार? मिसेस पांडियन। क्या है? क्या लिखा हुआ? मिस्टर पांडियन, सिर्फ 2 इंच का डाउट है। यहाँ भूत है कि नहीं? ना 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 ना, पहले ठीक से क्वेश्चन सुन ले, उसके बाद जवाब दे। माय क्वेश्चन इज, क्या भूतों के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होते हैं? ये बता, भूत ऐसे झूल झूल के क्यों चलते? भूतों का खर्चा कैसे चलता है? क्योंकि काम धंधा तो वो करते नहीं, इसलिए मैं भी भूत बनने की सोच रहा हूँ। तो तुझे मार देता हूँ। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आंसर दे। मैं क्या तुझे भूतों का रिश्तेदार लगता हूँ? तेरी शक्ल देख के चुड़ैल डर जाए। तेरी फोटो फ्रेम बनाकर अगर आंगन में टांग देना तो भूत अंदर आना बंद कर देंगे। ऐसी शक्ल है तेरी। चल बता, भूतों की उम्र बढ़ती है या नहीं? वो कॉलेज जाते हैं या नहीं? अगर उनकी शादी हो जाए तो उनका भी डिवोर्स होता है क्या? अरे बता ना। ओके, शुरू हो जा। तू पहले मेरी कहानी सुन। अरे मुझे फिल्म नहीं बनानी। अबे तेरी मकर राशि में राहु प्रवेश करे बे, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन। हाँ ठीक है, चालू हो जा, शुरू हो जा। 80 इंच की कमर, 13 नंबर के पैर, वो तेरे पास आके तेरी गोद में बैठ जाती है। ये कब होता है? जब भूत की एंट्री होती है। कैसे होती है? बाहर चल तो बताऊं। पीछे चलता है। आज तू लुंगी में ही कर देगा। लगता है आत्मा इसमें आ गई। अब मेरा नाश्ता यमराज के साथ ही होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे को जोर से आई है। मेरे अंदर आ गई है वो। मुझे जाने दे भाई, मेरा MTGR हो रहा है, मतलब दम घुट रहा है। आज से 20 साल पहले मैं मर गई थी और मेरा बॉयफ्रेंड जो है बिल्कुल तेरे जैसा दिखता था। आज मैं तेरे साथ सहरात मनाऊंगी। जेंडर चेंज। तेरा क्वेश्चन क्या था? भूतों की उम्र बढ़ती है या नहीं? सही बोला। आज तो तू गया। तुम लोग साल में एक बार बर्थडे मनाते हो, लेकिन हम लोग 10 साल में एक बार बर्थडे मनाते। 10 साल में एक बार? हाँ जानू। मतलब अपना भूत बुढ़ा नहीं हुआ है? 10, 5, 15, 16, 1.5 साल, मतलब अपने भूत की चढ़ती जवानी शुरू हुई है। अपना मतलब? अपना मतलब सपने वाला भूत। कहानी कंटिन्यू। अस्पताल में हम लोग एक्सरे कराते हैं, अंदर का सब दिख जाता है, लेकिन भूतों का एक्सरे नहीं होता है, क्योंकि उनका सब ऐसे ही दिखता है। बलब खाएगा। मन कर रहा है बाल हटा के तेरी चुम्मी ले लूं। देखा देखा, देना जानू। क्या मांग रहे? मेरा बलब वापस दे। ये ले। भूत प्रकट आए नमः। मम्मी, नाश्ते में तूने हॉट डॉग खाया था क्या, जो भौं भौं कर रहा? भूत से चैटिंग चल रही है। भूत भी सोशल मीडिया पे? उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने बोलो, अब कहानी का दी एंड करो, वरना मेरा दी एंड हो जाएगा। तेरी ख्वाहिश अभी पूरी होगी। कैसे? एक्स्ट्रा मैरिटल मेरे को तेरे साथ अफेयर करने का है। पता है हम रोमांस में क्या करते हैं? अपने बॉयफ्रेंड की दिल और किडनी निकाल कर चबा जाते हैं। भाई एकलौती मुंडी है, छोड़ दे। भूतों की जानकारी तूने पूछी थी ना OTP? बैठ और सुन डिटेल में। भूतों के नाखून नुकीले होते हैं, तलवारों की तरह, और जब उनके बॉयफ्रेंड को पीठ पे खुजली होती है तो हाथ ऐसे करके उसकी पीठ खुजाते हैं। खून नहीं निकलता? बस निकलता है। अबे सुन, जब भूतों को भूख लगती है ना, तो मुंह पे मिर्ची, नमक और लहसुन का पेस्ट लगा के उसे मैरिनेट करने के लिए बड़े वाले फ्रीजर में डाल देती है, और फिर स्टार्टर में पहले उसकी आंखें खाते हैं, फिर नाक खाते हैं, फिर होंठ खाते हैं, फिर पूरा का पूरा मुंह खा लेते हैं OTP, और फिर वो स्वीट डिश में बालों की सिवाई खाते हैं। तेरे को पता है वो अपने पैर जमीन पे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? नहीं रखते वो। वो अपने पैर जो है चिमगादड़ की तरह हवा में झुलाते हैं, और अगर बॉयफ्रेंड उनकी बात ना माने तो उसकी मुंडी पकड़ के उसको दबोच लेते हैं OTP। अब तू ही मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तेरे को कब 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 खाऊंगी। आ जा मेरे पास। मम्मा। मम्मा क्या? अब तो अब भी याद आएंगे तेरे को। आ जा मेरे पास। अच्छा हुआ कम डराया, ज्यादा डराता तो इसकी लाश ले जानी पड़ती है। लोगों में भूत घुसता है, ये खुद भूत में घुस गया है। डॉक्टर वीराना के पास जाके एंटी चुड़ैल वैक्सीन लेनी पड़ेगी। बच्चा पार्टी।
काका, बच्चों को देखा कहीं? नहीं तो मैं तो सुबह बाजार गया था, अभी लौटा हूँ। परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मेरे बच्चों को देखा है तुमने? नहीं तो? नहीं देखा। कहीं आसपास खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की कमरे के अंदर तक आ गए? आइंदा इस घर के आसपास दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो भागो यहाँ से। बच्चों पे हाथ उठाता है? बस बहुत हुआ। अपना हाथ हटा। हट। तेरे बच्चों को पूछ उन्होंने क्या किया है। मामा, खनुस आंटी की आवाज सुनकर हम दोनों रात पर सो नहीं पाए। कल रात हमें मम्मा की बहुत याद आ रही थी और नानी बिल्कुल मम्मा जैसी है, इसलिए हम वहाँ सोने चले गए। इसलिए उन अंकल को गुस्सा आ गया और वो हमें घर से बाहर निकाल रहे थे। सॉरी मामा, हम आपसे बिना पूछे चले गए। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी माँ की याद में नानी के पास जाकर सोए बच्चों को इस तरह घसीट कर मारते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सुना ना, बच्चों ने अपनी गलती मान ली है तो निकल, चल। तुम लोग मुझे जितना जलील कर लो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये तो उसी के बच्चे हैं ना जो हमारी नाक कटवाकर रातों रात किसी और के साथ भाग गई थी। हमारे परिवार पे इतनी बड़ी समस्या नहीं आई होती ना तो इन बच्चों को इस तरह घर पे नहीं रखते हम लोग, अब तक बाहर फेंक चुके होते। तुम्हारे परिवार में होने वाले हादसों की वजह सिर्फ वो मंदिर नहीं है, इन बच्चों की मां की आत्मा तुम ही लोगों की वजह से दुखी है। धर्म बदलने पे ही आपकी बेटी को अपनाएंगे ऐसा इनके खानदान ने कहा था। अब जानती है आपकी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था इन बच्चों के बाप ने? कुछ भी बकवास कर रहे हैं, आज तक तुम में से किसी ने भी इन बच्चों का कभी नाम पूछा है क्या? इसका नाम है कलाम और बच्ची का नाम जानती हैं क्या मां? रागिनी। आप भले अपनी बेटी को भूल गई हैं लेकिन आपकी बेटी आपको नहीं भूली, आपके नाम पर ही बच्ची का नाम रखा है। जब ये कलाम और ये रागिनी आपस में भाई बहन हो सकते हैं तो क्या धर्म को लेकर रोते हो? वे कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इन भगवान जैसे बच्चों को बाहर फेंक रहे हो? जब तुम इन बच्चों को खुश नहीं रख सकते तो मंदिर जाकर भी कुछ नहीं होने वाला। इन बच्चों को आप में से किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं, मरते दम तक इनके साथ रहूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो बच्चों। इनके साथ सिर्फ तुम ही नहीं हो पांडे, हम लोग भी हैं। सही कहा पांडे, तुम्हारी बात अब समझ आई। काश उस वक्त किसी ने समझाया होता तो आज मैं अपनी बेटी और दामाद को नहीं खोती। आज के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर नहीं करूंगी। आजा। नानी। अंकल आप हमारे साथ रहिए, आइए अंकल। मालिक, मालिक। क्या हुआ? मालिक, जो दो लोग मंदिर साफ करने के लिए गए थे उनकी मौत हो गई। कब बुलावा आता है कौन जाने, इतनी कम उम्र में मौत हो गई। देख रही हो ये लाशें? मैंने समझाया था तुम नहीं माने, ये सब उसी का किया धरा है। अगर ये दोनों मंदिर की सफाई के लिए नहीं जाते तो मारे नहीं जाते। इन दोनों की जान सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से गई है, अब भी वक्त है, सोच लो, छोड़ दो अपनी जिद। आज तक मंदिर में जिसने भी साफ सफाई करने की कोशिश की, चंद्रमुखी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। एक आत्मा क्या भगवान से ज्यादा ताकतवर होती है? उसे ताकतवर बनाया है बेटिया से बदला लेने की जिद ने। चंद्रमुखी के साथ बेटिया ने जो भी पाप किए उसके लिए खुद उसके कुल देवता ने दंड दिया, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। अब जब तक मंदिर के अंदर
रोशनी नहीं पहुंच जाती दुनिया की कोई ताकत चंद्रमुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बात मानिए, मंदिर में साफ सफाई और पूजा के बाद दिमाग से निकाल दीजिए, सही सलामत घर लौट जाइए। माँ जी, इनके परिवारों के लिए कुछ हम जरूर करेंगे। बैठो, सोफा तोड़ो। जाने अनजाने में हमसे इतना बड़ा अपशगुन हो गया। इस घर में प्रवेश करने से पहले हमें कोई ना कोई पूजा पाठ या हवन जरूर करवाना चाहिए था, तो ये सब नहीं होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लेनी चाहिए। अरे कोई पंडित नहीं मिलेगा। क्यों? अरे ऑनलाइन का जमाना है ना, वर्क फ्रॉम होम करके ऑनलाइन होम हवन करते हैं वो लोग। मैं उन्हें लेकर आऊंगा। शाना मत बन, कहां से लाएगा? बेटा रात को तेरी लुंगी में झिंगुर छोड़ता हूँ। पंडित जी आ गए, फूलों की माला लेकर आओ। पंडित जी आ गए। दो मिनट के अंदर। अबे पंडित है ये नूडल? ये पंडित जी किलो के भाव से आए क्या, जो बोरी में भर कर लाए? ए गगल, पंडित जी कितने रुपए किलो मिले? अरे रे रे, बोरी में कौन लाता है पंडित जी को, उनको तो डोली में बिठा के लाना चाहिए। मेन काओ, इनकी आंखों की पट्टी हटाओ। उधर उधर। अरे बाप रे, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है बाप? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इनमें से कोई भी सुंदर लड़की रख ले, मुझे जाने दे। मुझे यहाँ बुलाकर क्यों शमशान पहुँचाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, चाहे प्रलय आ जाए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जा जा, जल्दी जा, जल्दी। अबे ओ बले ओ सिंह, क्या हुआ बोलना? चल कैच कर इसको। नहीं मानता रे। सुन बे, अगर तूने किसी को बोला ना कि अंदर भूत है, तो तेरा धोती कुर्ता उतार के तेरे पूरे बदन में शहद लगा के तेरे को जंगल में छोड़ दूंगा, समझा? अब तेरे को अंदर और बाहर का एक राज बताता हूँ। सामने वाले दरवाजे से तू अंदर जाएगा और पीछे वाले से भाग जाएगा। क्या करेगा तू? भाग जाएगा। करेक्ट, चल निकल। अरे क्या तुम लोग उस बुड्ढे के साथ घास फूस खा रही हो? मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको बिरयानी खिलाता हूँ। रोक, मेरी बात सुन, मैं अपने प्यार का घोंसला बनाने जा रहा हूँ। घोंसला? तुम के मेरे घोंसले को मत उजाड़ना भाई। तेरे घोंसले में ना आग लगा दूंगा, बनने नहीं दूंगा। ये टॉर्च का क्या करेगा? चले। सलीम मेरा दोस्त है, मेरा 500 रुपया लेके भागा है। अरे क्या है पंडित जी, नया जमाना चल रहा है, मंत्र भी नया पढ़ो ना, तभी वो बाहर आएगी। सच में आएगी? बाहर आए नमः, बाहर आए नमः। मैजिक टॉर्च घुमाऊ क्या? घुमाता हूँ। ये टॉर्च तो एकदम सही दिशा दिखा रही है यार। ये लड़कियों के चप्पल खाने वाले नकली पंडित का मंत्र तो आज सही काम कर रहा है। ए भाई, ऊपर। हचक हचक बचक बचक। ओए बाप रे, पता नहीं चुड़ैल कहाँ छुपी होगी। जाना, डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अबे ये क्या कर रहा है गधे? डरा दिया ना मुझे, सर फोड़ दूंगा तेरे टॉर्च से। किसका? बड़ी खूबसूरत है, मिल जाए तो खड़े खड़े शादी कर लूंगा। चंद्रमुखी की आवाज नहीं आई अब तक? आना तो चाहिए था। कहीं वो ठरकी चंद्रमुखी को पसंद तो नहीं आ गया? अरे आ गया, अरे भागो, अरे भागो, अरे बचाओ बचाओ। आ गई वो, देखना सबकी खटिया खड़ी करेगी। बचाओ, मेरा तो तकिया बिस्तर सब गुल करेगी, कसम से एक नंबर का पनौती हूँ मैं। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो रहा है भाई? भूत आ गए हैं। अरे पंडित जी का पापड़ बन गया, पापड़। ए क्या हुआ, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने आया था, मधुमक्खी ने तेरा शहद निकाल दिया ना? हॉस्पिटल। ओटीपी। माँ जी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? चली तो नहीं पा रहा है वो बेचारा, वो चार पांच खूबसूरत लड़कियों के साथ ऊपर कमरे में था, वहाँ घनघोर अंधेरा था, लड़कियों को हाथ लग गया होगा तो वो म्याऊं बोल के पंडित पर झपट पड़ी होगी, समझे क्या? लगता है ये नहीं समझा। क्या हुआ?
बेटा तू कहानी अच्छी सुनाता है, चल सच की उल्टी कर। क्या सच बोलू? पंडित का मंत्र पावरफुल था, उसके प्रभाव से भूतनी दरवाजा खोल के 9-2-11 हो गई। ये मेरा बंगला नहीं बिकने देगा, इसके खाने में जहर मिलाना पड़ेगा। बला को डाल तू, चल तू जलाल तू। आई सुनिए ना, ऊपर जाके देख के आइए कौन है। मैं नहीं जाऊंगा, आ जा। डर लग रहा है और खुजली भी हो गई है। ये डीजे कहां बज रहा है? ये तो वही है, सब मरेंगे। तेरे की सारा भांडा फूट गया, बिकना तो दूर अब की रहा है, अभी नहीं मिलेगा। अरे मैं मर गया रे। चुप चुप। भूती गो बैग। अरे वहां से नहीं, यहां से आवाज आ रही है। ए ओनर? अरे ओनर, तुझे माता बुला रही है। आता हूँ। चुकंदर का हलवा लाओ। क्या आवाजें कहाँ से आ रही है? यहाँ पर कोई और भी रहता है क्या? अब पड़ोसी गांव का मुखिया है ना, चंपक भाई, वो बहुत डरपोक है। आज उसका बर्थडे है तो गांव वाले उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, और वो उसे डराने के लिए बड़े स्पीकर के साथ भूतिया पिक्चर देख रहे हैं। भूतिया पिक्चर? जल्दी जल्दी, यही दिमाग में आया। कौन हो तुम लोग? खाने की कोशिश, चले जा। कुछ था ऊपर? पापा, वहाँ पर कुछ तो है। मेरी बड़ी परछाई थी। परछाई चलते हुए बोल। अरे क्या बोल रहे हो? बोलते हुए चल रही थी। अरे आ, मर्द के नाम पे कलंक हो तुम दोनों। मैडम मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों खुद की परछाइयों को देख के डर गए। ए झूठ मत बोलो। सही कह रहे हो, ये दोनों सिर्फ बातों के शेर है, ये छिपकली देख के डर जाते हैं और ये कॉकरोच देख कर। ओनर जी आप जाकर देखिए। हाँ जाता हूँ। मैं क्यों जाऊँगा? छोटी दीदी मैं ओनर हूँ, कोई नौकर वोकर नहीं। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, हो जाएगा। ठीक है रहने दीजिए, मैं जाके देखती हूँ। आपको हार्ट किडनी का प्रॉब्लम होगा तो लोचा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? क्या हो गया माता जी, इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप लोग? हमने यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। ये दोनों वहाँ ऊपर देखने गए, वहाँ पर किसी की परछाई देखकर ये दोनों डर गए। अब गायत्री देखने गई है, वो भी अभी तक लौटी नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये घूम रही थी ऊपर, ये दूध वाले की बेटी।
इसी की परछाई देख के आप दोनों डर के नीचे आ गए थे। इसकी परछाई देखकर डर गए। इतनी रात गए, तुम वहाँ क्या कर रही थी? माँ जी, मैं आपको बताता हूँ, इनको यहाँ काम करने से ज्यादा इस महल को देखने का बहुत शौक है। ये बात इन्होंने कई बार कही है मुझसे। आप लोग सो रहे हैं सोच के यहाँ पर आ गए और बेचारी पकड़ी गई। हमको ठंडक मिली, यकीन हुआ। मेरे बाप ने इस महल की एक एक ईंट पर भगवान की फोटो लगाई थी। भूत की आत्मा आ सकती है लेकिन भूत तो कभी नहीं आएगा। आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं एक मल्टी कलर हवन करवाऊंगा। 2 लाख चंदा दे दो, UPI भी चलेगा। UPI के बच्चे, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? स्टूपिड, तू भी बोला। अब जाके सो जाइए, हम सुबह आराम से बात करते हैं। मैं तो 5'6" का हूँ, 2 फीट बोल के गया, घोर बेइज्जती। लड़की ने सबकी नींद खराब कर दी। रागिनी, सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली, मगर मौत की खबर सुनकर कोई भी मंदिर की सफाई करने को तैयार नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमें क्या करना चाहिए? घर हो या मंदिर, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। अब हम मंदिर में पूजा कैसे करवाएंगे? एक बात कहूं माँ जी, उस पुजारी की बात सुनकर आप में से किसी को भी बताए बिना मैं उस जगह को देखने के लिए गया था। वहां पर दलदल, कीचड़, झाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, पानी में गिरने से पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया था। अब बताइए, उसके शरीर में इतना सारा पानी कैसे घुस गया? और जो आदमी बिजली के झटके से मरा, उसने ये देखे बिना बटन ऑन कर दिया कि उसका जिस्म नंगी तार पर लग रहा है, और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इन दोनों की मौत एक हादसा है, भूत भूत कुछ नहीं है। वो पंडित कुछ और बोल रहे थे, ये कुछ और बोल रहा है, इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज आ गए। पांडियन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। 20 लोग वहाँ काम कर रहे थे लेकिन सिर्फ 2 मरे हैं। अगर ये सच में चंद्रमुखी का श्राप है तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसे पहले मरना चाहिए। हम घर में इतने सारे लोग हैं, अगर मंदिर की साफ सफाई करनी है तो हम सब मिलके कर लेंगे ना। जिस काम में जान जाए मैं वैसा काम नहीं करता, मुझे ऊपर जाने की कोई जल्दी नहीं। हाँ, सही कहा, मंदिर साफ करवाने के लिए जितना खर्चा लगेगा हम देंगे, मगर जान देकर कौन मंदिर साफ कराए? मेरी बात सुनिए माँ जी, इस घर के लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं ना, तो मैं वहाँ पर जाकर सफाई कर देता हूँ। इस घर में प्रॉब्लम मेरे आने से पहले हुई थी, लेकिन मैं इस घर से तभी जाऊंगा जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप बोलना चाह रहे हैं? आप लोग डरो मत, अगर ये सब करते हुए मुझे कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मेरे ही सर होगा। Ha 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 ha
अंधेरा मिटाकर प्रकाश फैला दिया तूने। मैंने उसी दिन कहा था ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है, अगर ये काम कोई और करता तो उसकी चिता बन जाती और वो इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता। तेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था। तू नहीं जानता उस विद्या की और तेरी राशि एक ही है, ये मैं जानता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हो, उस अमावस्या की काली रात में। यहाँ पर जो भी अनहोनी हो रही है उसका अंत तू ही कर सकता है, और इस कार्य में तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। तुम्हारे घर में ही एक व्यक्ति के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा छुपी हुई है, और उसी को माध्यम बनाकर वो अपना कार्य पूरा कर रही है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ माजी, मैं तो बिल्कुल चकाचक हूँ। आप टेंशन मत लो, मंदिर में सब ठीक हो गया है, अब आप लोग वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हैं। नहीं बेटा, जैसे ही तुमने मंदिर साफ करना शुरू किया तो यहाँ पर सब कुछ उथल पुथल हो गया। हमने किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी, चीजें टूटकर बिखरने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा घर ढह जाएगा। किसी तरह हम सबकी जान बची। यहाँ एक सेकंड भी रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ दीदी, कहीं और चलते हैं। देखो अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मंदिर से दूर भी हो तो परवाह नहीं, हम वहां रह लेंगे और मंदिर में पूजा करवा लेंगे। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ये घर छोड़ के कहीं भी चली जाएं, आपकी मुसीबत कभी भी दूर नहीं हो सकती। मंदिर की सफाई करने के बाद मुझे वहां एक साधु मिले थे, उन्होंने कई रहस्य बताए मुझे। उसमें से एक रहस्य यह है, इस परिवार का ही एक सदस्य चंद्रमुखी के वश में आ चुका है। यह जाने बिना कि वो कौन है, हम घर कैसे छोड़ सकते हैं। उस साधु ने मुझे यह भी बताया कि इसी तरह का एक हादसा आज से 17 साल पहले इस महल में हो चुका है। ओए, तूने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताने वाला था पर हिम्मत नहीं हुई। यह मामला पहले ही शांत हो चुका था, लेकिन दक्षिण की ओर जाके तुमने खुद ही भूत लोगों से पंगा ले लिया। अभी तुम लोगों को ये महल छोड़ के जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा किराया देते जाना। इस घर का मालिक कौन है? वन एंड ओनली मी। पहले इस घर में क्या हुआ था, कुछ अनहोनी हुई थी? आज से 17 साल पहले जब मैं छोटा था, होली भी नहीं थी और कोई उसके साथ भी नहीं था, लेकिन वो खुद ही अपने साथ होली खेलते खेलते आखिर में सो गई। तो आपने क्या वो कमरा साफ किया या वैसे ही है? वो कमरा वैसा ही पड़ा है स्वामी जी। एक बार मुझे साफ सफाई का ख्याल आया, लेकिन जब डरावने सपने आने लगे तो मैंने ख्याल छोड़ दिया। जो भी सफाई के बारे में सोचेगा वो आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। जो पहले गुरु जी आए थे उन्होंने भी बताया था, अगर ये बात मैं इन्हें बता देता तो ये मेरा महल किराए पे लेते क्या? मुझे वो कमरा देखना है। जरूर कोई आया था। 7 नंबर चप्पल का साइज किसका है? अब ये कमरा हम पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ फिर कौन आएगा? कोई तो आया था। ये गुलाल उसी दिन का है जिस दिन चंद्रमुखी की आत्मा को बंद किया था। यहाँ पे किसी के आने के बाद ही तुम्हारे घर में समस्याएं उत्पन्न हुई। मेरे मना करने के बाद भी आए? क्या लगता है यहाँ मैंने काला नाग और काला धन छुपा के रखा है? बोलो कौन आया था यहाँ?
ये महारानी है जो अकेले महल में घूमती रहती है। मुझे लगता है यही इस कमरे में आई होगी। अरे नहीं नहीं, ये सच है कि मैं ये महल अंदर से देखना चाहती थी, लेकिन एक बार भी मैं इस कमरे में नहीं आई। नहीं बताओगे? चंद्रमुखी से प्रभावित कौन है ये तो मैं ढूंढ ही लूंगा। जाओ तुम सब एक एक करके उस जगह पे खड़े हो जाओ। आप में से जो भी चंद्रमुखी से प्रभावित होगा उसमें चंद्रमुखी का रूप दिखने लगेगा। जाओ एक एक करके सब वहां खड़े हो जाओ। तुम्हारी बारी। मैं क्यों जाऊं? मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें वहां जाना ही होगा। पहले इसे भेजिए। मैं तो यहां रहती भी नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उसे पकड़ के वहां ले जाओ। नहीं, चल, चल, छोड़ दो मुझे, चल, छोड़ दो। लक्ष्मी, छोड़ मुझे। गई थी और वो घुंघरू मुझे ही मिला था। अगर कोई अनहोनी होनी थी तो वो मेरे साथ होनी चाहिए थी ना, उसके साथ क्यों हुई? जब तुम उस कमरे में गई तो क्या हुआ, सिर्फ वो बताओ। फिर उसके बाद बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं वहां से भाग गई। तुमने जो घुंघरू नीचे गिराया था वो दिव्या के गले में कैसे आया? दिव्या के गले में घुंघरू है? हाँ बिल्कुल, दिव्या चंद्रमुखी से प्रभावित होकर जब चिल्ला रही थी तब मैंने उसके गले में एक घुंघरू देखा था। पुरानी वस्तुओं में दिव्या की जिज्ञासा है, इसीलिए उसने वो घुंघरू को संभाल कर रखा, जिसकी वजह से दिव्या की यह हालत हो गई। जी गुरुजी, उस दिन हम वॉचमैन की बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि दिव्या ने अपनी व्हीलचेयर रोकी। मुझे लगा वो गिरने वाली है, ये सोच के मैं उसके पास गई, तब तक वो आगे चली गई। शायद उसी वक्त उसने वो घुंघरू उठाया होगा। समस्या तब शुरू नहीं हुई जब तुमने घुंघरू उठाया, तब शुरू हुई जब दिव्या ने उठाया। जब से चंद्रमुखी का घुंघरू दिव्या को मिला और उसने उसे अपने गले में पहना, तब से चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या के शरीर में है। यह वही दिन था जब आपने मंदिर की साफ सफाई शुरू की और उसी दिन चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या के शरीर में गई।
दिव्या अपने पैरों पे खड़ी हो गई क्योंकि उसमें चंद्रमुखी की आत्मा थी। वो चलने लगी, वो दौड़ने लगी, वो नाचने भी लगी। देख रहे हैं, अब मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी। भगवान का शुक्र है, मैं पहले जैसी हो गई। अब मुझे व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं होगी। अब पर गुरुजी, मुझे याद है आपने उस समय लक्ष्मी को गुलाल पर खड़े रहने के लिए बोला था, है ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब लक्ष्मी को गुलाल पे खड़ा किया, तब पता चला कि इस घर में किसी को कोई समस्या नहीं है। शुक्र है, मुझे तो पहले ही पता था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आप जब से यहाँ आए हैं, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। इसमें मैंने क्या किया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। एक बात कान खोल के सुन लो, आप सब दिव्या के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करो। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर एक आत्मा है। ख्याल रहे। अरे हाँ, ये गाय बैलों के साथ क्यों बैठी हो? रात भर दिव्या के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आई। तुम अकेली नहीं हो, घर पे रात को कोई भी नहीं सोया। अब दिव्या कैसी है? दिव्या पैर ठीक होने की खुशी में बच्चों के साथ लंगड़ी खेल रही है। तो क्या उसे कुछ भी याद नहीं है जो उसके साथ हुआ? गुरुजी ने तो कहा था कि कुछ याद नहीं रहेगा। चलो ठीक है, ये सब सोचना छोड़ो, अपने पापा से परमिशन लो और महल में चलो। पिताजी तो शहर गए हैं दूध देने, और घर में जो दो लोग बैठे हैं पहले उनको बाहर निकालो। मेरे ससुराल में बैठे हैं? कौन है बे? जरा शक्ल तो दिखा। मेरे ससुराल के अंदर ओम तिवारी अब भी इसको डराता हूँ। निकला है। अबे तू है क्या? और क्या, मैं ही हूँ। अरे पापी, अभी और डराया होता तो मैं ही भूत बन जाता। तेरे को डराने के लिए मैं मिला गया। तू बोलते किराए में चार चोकरे लाता हूँ, उनको डरा। अबे इतना बड़ा होके छोटे भूत से डरता है? अपना महल छोड़ के यहाँ कोठरी में बैठा है? अबे लाना था तेरे पे। अगर मुझे सात कुंड माफ होते तो तुझे मारता। आज तो गया। तलवार ला, तलवार नहीं मिली तो जहर ला, इसको आज मार दूंगा। भले मुझे काले पानी की सजा हो जाए, महल चंद्रमुखी के नाम करके मैं खुद जहर खा लूंगा। तो मेरे नाम कर दे। अरे तेरे दिमाग का घोसला किया ना तो धक्के से तेरा मुंह दबा दूंगा। अरे मेरे हार्ट की स्पीड बंदे भारत जैसी हो गई, मैं तो बच गया। अरे नीचे वाला हार्ट अटैक से मरता नहीं है क्या? उठे एक्सपायरी डेट। और भी उठ, बाहर निकल, मेरे ससुराल में गंदगी मचा के रखी। मैडम ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट कर दिया। गुरुजी ने कहा घर से बाहर जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए मैं डर के मारे इस दूध वाले के घर में आके छुप गया। छुपना गलत नहीं है, छुपने का तरीका गलत था। तेरा मतलब क्या है? तुम लोगों को एक चंद्रगुप्त बताऊं क्या? क्या? चंद्रमुखी की आत्मा इस घर में बसी हुई है। चंद्रमुखी खिड़की खोलकर कौन से घर पे देखकर किस लड़के को लाइन मारती थी पता है? इसी घर के राजा के डर से अपने बॉयफ्रेंड को किस घर में छुपाया? किस घर में? इसी घर में। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात बताऊंगा तुम्हारे गुर्दे फट जाएंगे। तुम में से कोई उसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है और वो उसका खून चूसकर उसको आत्मा बनाकर डेट पर ले जाना चाहता है। क्या कहा तुमने उनसे? डर के क्यों भाग गए? Thank you.
चंद्रमुखी को फेस नहीं करने का फॉर्मूला मिल गया। वन टू थ्री, कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग। क्या कर रहे हो डार्लिंग? कुछ कहा क्या? ये रात के अंधेरे में काला चश्मा क्यों पहन रखा है? ये काला चश्मा नहीं है, चश्मा ही काला है। क्या बकवास कर रहे हो? लोगों को लगेगा कि ये सनग्लास है, लेकिन मैंने अंदर से काला पेपर चिपका दिया है। अब मैं खुद भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मैं समझी नहीं। अरे वहाँ दिव्या जैसे गोल गोल घूम रही थी, मेरी आंखों में अभी भी घूम रही है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है डार्लिंग, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कोई आवाज मत करना भगवान। चिल्ला क्यों रहे हो? बेड के नीचे छुपे रहोगे या बाहर भी आओगे? अरे बच गए। ऐसे पति को डराता कौन है? आपको हुआ क्या है और बेड के नीचे क्यों छुपे हुए थे? फिर से रात हो गई, कहीं दिव्या फिर से चंद्रमुखी बन गई और उसने मेरी गर्दन दबा दी तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? फिर वही डरावनी आवाज आ रही थी। कहाँ है वो? अपने कमरे में नहीं है गुरुजी। दिव्या फिर से चंद्रमुखी बन गई थी, हाथ में तलवार लेके किसी आदमी को ढूंढ रही थी माजी। फिर मुझे देखा तो बेहोश होकर गिर गई। स्वामी जी मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने मंदिर में दिया जलाया था, शायद जो हुआ उसी की वजह से हुआ। कल सभी लोग मिलके दिया जला के पूजा आरंभ कर दो। मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। सुनो, कल तुम घर पर ही रहना, वो किसी को ढूंढ रही है। तुम्हें पता लगाना होगा वो किसे ढूंढ रही है। चंद्रमुखी को दिव्या के शरीर से निकालने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि पूजा होने तक किराए पर दूसरा घर ले लूं। ऐसा करना ही बेहतर होगा भैया। ये बंगालन यहाँ पे ये गाड़ी चलाएगी? आइए ना अंकल, आज मेरे साथ चलिए। तुम हमें ले चलोगे तो दूसरी कार कौन चलाएगा? बेटा ये गाड़ी तुम क्यों चला रही हो? अब मेरा पैर ठीक हो गया है ना, तो आप ही बताइए मैं ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकती? अगर आपको मेरी ड्राइविंग पर ट्रस्ट हो तो आ सकते। मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। सुनो, तुम लोग हमारे पीछे। माँ ये रीति रिवाज बकवास है, क्या आपको अभी भी विश्वास है इन सब में? हाँ बिल्कुल है। मुझे एक बात बताओ माँ, हम सबका पूजा में बैठना क्या जरूरी है? इतने दिनों बाद हम सब साथ निकले हैं, क्यों ना घूम ले? पास में एक वाटरफॉल है वहाँ चले, बच्चे भी घर में काफी बोर हो चुके हैं। नानी चलो ना, नानी मुझे भी जाना है प्लीज नानी। लेफ्ट लिया है, हम लोग सीधे क्यों जा रहे हैं दिव्या?
गाड़ी मोड़ो इसी वक्त, हमें पूजा के लिए देर हो रही है। दिव्या, मैंने कहा गाड़ी मोड़ो, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? दिव्या मुंह बंद कर। दिव्या गाड़ी रोक दे बेटा। कुलदेवी के मंदिर में पूजा नहीं होगी, मैं नहीं करने दूंगी, किसी को भी नहीं। अब आप अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कीजिए, यदि माँ जगदम्बा ने चाहा तो इस दुर्गा अष्टमी तक ये दीप कोई नहीं बुझा पाएगा। अगर मैं तुम सबको मार दूंगी तो उस मंदिर में पूजा नहीं होगी और उस जल्लाद की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं ये करके रहूंगी, उसे दरपा दरपा के मारूंगी ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति ना मिले। बाप रे, इतना सारा सुना। इतना बड़ा सिंहासन। दीप जलाइए, रागिनी को आ जाने दीजिए, वो आती ही होगी। बैठ के देखता हूँ। आप दीप जलाइए। दिव्या, दिव्या। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, महाराजाओं के महाराज, समृद्धि से भरपूर, समृद्धि से भरपूर। आज जो भी हुआ वो देखकर लगता है कि वो कुछ अनहोनी करने वाली है। उसका पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। अब दिव्या कभी भी चंद्रमुखी बन सकती है, पता नहीं कब। इस घर के हर इंसान को उससे बच के रहना होगा, वरना वो किसी को भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो आप उसे कैसे रोके स्वामी जी? आपको लड़की की लाश चाहिए ना? अभी परसों ही एक 20 साल की लड़की को वहाँ दफनाया गया। एक बाबा वहीं आराम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बाबा के पास जाइए, उन्हें उठाइए और लाश को बाहर निकालकर उसमें आत्मा कैद कर लीजिए। एक कुंवारी लड़की की आत्मा को काबू करके दूसरी लड़की की आत्मा को शांत करने की सोच रहे हो? अपनी पूजा से तुम उस चंद्रमुखी को खत्म नहीं कर सकते। उसका क्रोध प्रचंड है, वो बदला लेना चाहती है। जब तक वो पूरा नहीं होता वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे दिए जलाने से उनकी जान बच गई, पर ऐसा नहीं है। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि वो आ गया था। वो मतलब कौन? वैटया। वैटया? जिसे तुम वैटया समझ रहे हो वो कोई और है, वो सिंगोटिया है। मैं हूं उसका महागुरु रुद्र। वो उसका मित्र होने के साथ साथ वैटया का सेनापति भी था। वैटया और सिंगोट्या अपनी सेना के साथ विजयनगर के महल में प्रवेश कर जाते हैं। इसी महल में वैटया ने पहली बार चंद्रमुखी को देखा था। विजयनगर के महल पर मेरा ध्वज ऊंचा लहराना चाहिए। हमारा ध्वज लाया जाए। नस नस में खुल गई सरगम। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? ये महारानी का शयन कक्ष है मूर्ख, यहाँ पुरुषों का आना सख्त मना है, कोई नहीं आ सकता। सिपाहियों
इसे बंदी बना लो। मैं बेटिया अब से इस महल का राजा हूँ। बेटिया अब से ये शयन कक्ष नहीं है, मनोरंजन कक्ष है। सपने में आती है। महाराज आप अंदर मत जाइए, अब ये मेरा महल। आप यहाँ के राजा होंगे पर आप उस लड़की को नहीं ले जा सकते। क्यों? जो कोई भी उस पर हक जताएगा वो आदमी बुरी तरह से मारा जाएगा। मैं ऐसी मान्यताओं पर विश्वास नहीं रखता। महाराज आप कृपया मेरी बात मानिए, अंदर मत जाइए। चंद्रमुखी नृत्य की रानी है और इसलिए जन्मी है। चंद्रमुखी महाराज मेरी बात मानिए, अपनी जान खतरे में मत डालिए। मेरे दोस्त, आपके साम्राज्य के मुकुट में एक और नग जुड़ गया है। हमारे पास आपके लिए एक भेंट है। विजयनगर साम्राज्य आपके चरणों में है। आपको उत्सव मनाना चाहिए लेकिन आप एकांत में बैठकर किस सोच में डूबे हुए हैं? सिंगोटिया, वो लड़की जो मेरी जीवन साथी बनेगी, जो मेरे सपने में आती रही, जो मेरे मन में बसी है, जानते हो आज मैंने पहली बार उसे साक्षात देखा। वो नृत्य की परी है। कल मैंने उसे विजयनगर के शयन कक्ष में देखा था। पल के मोर के पंखों जैसी थी, आंखें पानी में तैरती मछलियों जैसी थी, शरीर उसका सुहाने रंग का, बनाने वाले ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। अगर इतनी सुंदर है वो, तो वो है कहां? पता नहीं, पलक झपकते ही वो कहीं गायब हो गई। पलक झपकते ही गायब होने वाली वो कोई माया भी है क्या? वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। उसे हर कीमत पर ढूंढो और इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं मेरे दोस्त। ढूंढोगे ना? उसका नाम क्या है? उसके तो नाम में ही चांद है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी खूबसूरत नाम है। आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपके लिए नहीं किया। आप आराम से बैठिए और अपनी आंखें बंद करके अपनी रानी के सपनों में खो जाइए। आंखें खोलते ही वो आपके सामने होगी। ये इस सिंगोटिया का वादा है। चलता हूं मेरे दोस्त। चंद्रमुखी की खोज में निकले सिंगोटिया को चंद्रमुखी तालाब में नहाते हुए दिखी। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, जल्दी करो, देर हो रही है। जाए पहले मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। मार दिया। कहाँ ले जा रहे हो हमें? मेरे दोस्त,
सिंगोटिया मेरा वीर सेनापति। वाह क्या बात है, इस सुंदर चांद के टुकड़े को अपने दोस्त के लिए तुम इसे ले ही आए। इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हीरे जवाहरात तुम जो मांगो वो, या एक साम्राज्य दे दूं? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए तो मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूंगा। मांगो मेरे दोस्त। आपके लिए जो चंद्रमुखी भेंट में लाया हूं वही चाहिए। सिंगोटिया ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं इससे प्यार करता हूं। इसे पहली नजर देखते ही आपका मन मचल उठा था। इसकी बांह पकड़कर, इससे लिपटकर इसे यहां तक लाने में मेरा रोम रोम कांप उठा है। मुझे प्यार नहीं होगा क्या? मुझे भी प्यार हो गया। सिंगोटिया मैंने अपनी तलवार का दुश्मनों का सर काटने के लिए इस्तेमाल किया। तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। आज तक आपकी सुरक्षा के लिए उठी ये तलवार कहीं आज आपके ही प्राण ना छीन ले। उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सिंहासन पर बैठकर खुद को राजा घोषित कर दिया। आज से यहां का राजा भी मैं हूं और यहां का रक्षक भी मैं हूं। लका 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 या? जो पहले वैट्या के अधीन थी उनको जबरदस्ती सिंगोटिया ने अपने अधीन कर लिया। देख लिया चंद्रमुखी, तुम्हारी सुंदरता के आगे हमारी कई सालों की दोस्ती पत्तों की तरह बिखर गई। अब से ये महल हमारा है। मैं राजा और तुम रानी। यह अन्याय है महाराज, आपने हमसे नहीं पूछा। ये हमार मोने की याचन, अगर पूछ लेते तो आपका मित्र जीवित तो था। तो महाराज चंद्रमुखी कहना चाहती है कि एक बार अगर आप उनसे पूछ लेते उनके दिल में क्या है तो आपका और आपके दोस्त का ना झगड़ा होता ना आप उन्हें मारते। तुम्हारे मन में क्या है? विजयनगर साम्राज्य के गुणशेखर के साथ हम नृत्य करते हैं और हम उसी से प्रेम भी करते हैं। वो कह रहे हैं। मैं समझ गया, पीछे हटो। गुणशेखर से प्रेम? हाँ महाराज, जब हम एक दूसरे में खोकर नृत्य करते हैं तब पूरा दरबार हमें मंत्रमुग्ध होकर देखता है। दरबार, नृत्य और सबकी आंखें तुम दोनों पर। हम केवल नृत्य नहीं बल्कि उसके साथ पूरा पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। वो गुणशेखर बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारे हाथ को उसके हाथ में दिलवा देते हैं, तुम दोनों की शादी करवा के तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं। ओके। वो अब तक जीवित है इसलिए मैंने उसे एक भाग्यशाली आदमी कहा था। अब से तुम और तुम्हारे नृत्य पर केवल मेरा अधिकार होगा। अगर मैं वेटिया नहीं बनता और सिंगोटिया ही रहता तो मेरे मन में कभी इच्छा नहीं जागती, मगर अब जो इच्छा जाग गई है तो उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो चाहे वो किसी राज्य की जमीन हो या तुम जैसी मंत्र मुक्त कर देने वाली चंद्रमुखी। कोई है क्या? ले जाओ इसे। चंद्रमुखी को डर था कि कोई अनहोनी ना हो जाए और वही हुआ।
सिंगोटिया ने दासियों को आदेश दिया कि चंद्रमुखी को दुल्हन बनाकर लाया जाए। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, समृद्धि से भरपूर इस राज्य के कुलदीपक वैद्यया राजा पधार रहे हैं। होशियार, गुरुजी को प्रणाम। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु रुद्र। ये हमारी कुलदेवी हैं, दुर्गा यमन। ओम धम दुर्गे नमः। डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध करते वक्त अगर हम सामने वाले दुश्मन के प्राण ना लें तो वो हमारे प्राण ले सकता है, और जब एक के प्राण जाते हैं तब उसका पूरा परिवार भुगतता है। उसी पाप से प्रायश्चित करने के लिए ये पूजा रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो रानी बनने वाली है, मेरी चंद्रमुखी, सोचा आज उसको भी हमारी देवी के दर्शन करा ही दे, इसीलिए तुम्हें लेकर आया। हमारी ये कुलदेवी तुम्हारे मन को बदल देंगी, मुझे विश्वास है। महाराज। बोलिए मंत्री जी। पड़ोसी राज्य के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। कब मिलना है? आज उनका दूत आया था ये संदेशा लेकर कि राजकुमार आपसे कल सुबह मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारी प्रजा से भी मिलना चाहते हैं। आने दीजिए उन्हें मंत्री, उन्हें भी हमारे राज्य की उन्नति देखने दीजिए। जिस तरह दिव्या खुद को चंद्रमुखी समझने लगी है, उसी तरह पांडियन भी अपने आप को वैद्यया समझने लगा है। वो छोड़, ये बताइए वैद्यया कौन है? अरे देवा, अरे रे 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 रे। किस मनोज का नाम ले लिया, पूरा महीना खराब जाएगा। लोग रावण होते हो 52-53 था, ऊपर से बी यानी बहुत बड़ा बेवड़ा भी। एक बार वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज नहीं दारू चढ़ाया, ऐसा खतरनाक कि अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने वाले का सिर धड़ से अलग कर देता। अरे वैद्यया के मौसी के बेटे का मुंडन था तो उसने चंद्रमुखी को नाचने बुलाया था, उसने मना कर दिया तो उस दिन जो दारू वो पीने वाला था वही उस पे छिड़क दी और जला कर गाड़ दिया। वो गंदे नाले में कुल्ला कर देवे तो वहाँ की मछलियाँ मर जावे। किलो के हिसाब से बुराइयाँ की है मैंने उसकी। उसने चंद्रमुखी को जला के आत्मा बनाया, मुझे सूरजमुखी बना के परमात्मा के पास भेज देगा। हम तो यहाँ पर पूजा करने आए थे, ये सब क्या हो रहा है? बेटा तू, इस पूरे कांड का प्रोड्यूसर तू है बेटा। मुफ्त का चंदन घिसने के चक्कर में तूने सबकी जिंदगी का लोबान जला डाला। बेटा तेरा तो कोई गांव भी नहीं है कि तू वहां जाके चंद्रमुखी से पीछा छुड़ा सके। तुम्हें लग रहा है कि तुम पांडियन को यहाँ लेकर आए? नहीं, बल्कि वो तुम सबको इधर लेकर आया है। आप क्या कह रहे हैं? क्या और कब होने वाला है ये सब ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला? अरे इस वक्त ये पांडियन है या वैद्यया बन गया, क्या फर्क पड़ता है? जो भी है, जाके सीधा खुद को सिलेंडर कर देता हूं। ये SMDH यानी कि सूक्ष्म डूबा।
इफ यू डिड नॉट माइंड, लगता है इसको बाउंसर हुआ। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में सुन मेरे भाई, उस दिन जो बेटे के लिए मैंने फेकम फाक की थी ना, पता है वो सचमुच फेकम फाक की थी। बेटे या एक नंबर का पंडित आदमी था, सारी खूबसूरत लड़कियों को वो अपनी बहन समझता था। उसका दिल दिल नहीं था, उसका दिल दरिया था। और चंद्रमुखी के बारे में क्या बताओ तुमको, एक नंबर की लुच्ची लफंगी। अरे लोगों को चंद्रमुखी नाम से घिन आती थी, पता है वो अपने घर में विदेशी लड़कों का कैबरे करवाती थी, जो नहीं नाचता था उसकी दोनों टांगे कटवा देती थी। हाँ। एक बार उसने नौकरानी से गुलाब जामुन मांगा, नौकरानी दिमाग से पैदल थी, उसने गुलाब और जामुन अलग अलग दिया और चंद्रमुखी ने उसे फांसी दिया। सुना, अच्छा हुआ मेरा जन्म थोड़ा लेट हुआ, अगर मैं वहां होता तो उसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन अच्छा हुआ तुमने उसे जला डाला था। ये सब मैंने तुझसे पूछा? मैंने सोचा कि पूछोगे तो पहले ही बता दिया। निकल ले, ये सचमुच बेटी आई है। आ गया बेटिया, वट ले बेटा, मैं तो तेरी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल कर दी गई है। बच गया। ए, ये मम्मी आ जा रहा है, यहाँ पर आ। इसको बोलते ASG KMA, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक बात पता है क्या, वो बेटे ने तुम्हारी इतनी बुराई की कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि चंद्रमुखी एक नंबर की पंडिताइन औरत थी। हाँ, बेटे या एक नंबर का लुच्चा लफंगा था, चलती लड़की को उठाता था, उनको घर पे लाता था, खुद पुंगी बजाता था और उनसे कैबरे करवाता था। अगर मैं वहां होता तो मैं उसकी पुंगी छीन के उसकी सारंगी बजा देता था। क्या? मैंने तुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, जितना पूछा जाए उतना बोला कर। जो आ गया, अब मैं निकलता हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक कैसे गिर गया? क्या कह रहे हैं आप? शुक्र है बिल्कुल आयन वक्त पर पांडियन ने आकर मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप ठीक तो है ना? हाँ। मम्मा, मुझे पता है, मामा को मैंने मारने की कोशिश की, मैं वहां पर बैठी थी, उनको देख रही थी, अचानक मुझे कुछ हुआ, फिर क्या हुआ पता नहीं। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। ये घर बहुत पुराना है, शायद कोई कील कमजोर पड़ गई होगी। नहीं, उस दिन जब हम मंदिर जा रहे थे और मैं कार चला रही थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं मंदिर न जाकर कहीं और चली गई थी। उस दिन स्वामी जी ने गुलाल पर खड़े होने को कहा था, तभी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर इस महल में जरूर कोई प्रॉब्लम है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इन सब की जिम्मेदार मैं हूं ना। सही कह रही हो, इस घर के अंदर जो कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम में ही चंद्रमुखी की आत्मा आती है। इस सब की वजह है ये घुंघरू की माला जो तुमने पहन रखी है, यही है इसकी असली वजह। तुमने भले ही ये घुंघरू उसके गले से निकाल दिया है, पर उसमें बसी चंद्रमुखी की आत्मा कभी निकाल नहीं पाओगे। जब जब इसके शरीर में चंद्रमुखी आएगी, वो पांडियन को मारने की कोशिश करेगी। जो इंसान हमारी फैमिली की मदद कर रहा है चंद्रमुखी, उसे मारना चाहती है? कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा
छोड़, मेरी बात सुनो। चंद्रमुखी को मेरा शरीर चाहिए ना, और मैं मर गई तो? अगर ऐसा हुआ पूजा रुक जाएगी। छोड़ो, उसे तो वही चाहिए। बेटे को मारने तक चंद्रमुखी की आत्मा नहीं रुकेगी। इस दुर्गाष्टमी को वो पांडियन को मार देगी जिसे वो बेटे समझ रही है। मुझे बचाना आता है खुद को। तू बचाएगा? कैसे बचाएगा? मैं भी देखती हूँ तू कैसे बचेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब एक पल भी तुमसे दूर रहा तो मैं जान दे दूंगा। हम आज रात यहां से भाग जाएंगे, ये दासी हमारी सहायता करेंगी। आपका उपकार रहेगा। चंद्रमुखी अगर मैं पकड़ी गई तो भले ही हमारे प्राण चले जाएं, मगर हम आपका नाम नहीं लेंगे। महाराज यही आ रहे हैं, आप दोनों जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। महाराज, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे, किंतु आप खुद ही यहाँ चले आए। दुर्गा, ओम धम दुर्गाय नमः। तुमने क्या कहा? तुम हमारे बारे में सोच रही थी? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारा मन करता है कि आज हम अद्भुत, कमाल हो गया। हमें तुम्हारा उपहार बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर नृत्य भी कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें भी उपहार देना चाहता हूं। कोई है क्या? ये सब तुम्हारे लिए है चंद्रमुखी। इन हीरे जवाहरातों में हमारी कोई रुचि नहीं है महाराज। तुम्हें इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। उपहार लेकर आओ। ये है वो उपहार, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखो, हमारे महल में हमारी ही दासी हमारे खिलाफ जा रही थी, इसलिए हमने इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जो भी हमें चंद्रमुखी से दूर करने की कोशिश करेगा उसका तो यही हाल होगा ना चंद्रमुखी। अरे अरे, ये तो, ये क्या है? अरे ये तो खून है। मेरे सिपाही भी ना कितने बेरहम है। हाँ, बेचारा गुणशेखर। अपने से ज्यादा सुंदर लड़की से प्यार करने का यही हाल होता है गुणशेखर। अरे रे रे, बेचारा। नृत्य करने के लिए पैरों का ठीक होना तो जरूरी है ना, तुम लोगों ने पैर ही तोड़ दिए। सुना है जब ये लोग साथ में नाचते थे तो पलक झपकाए बिना पूरा दरबार इन्हें देखता था। आज मैं देखूंगा। चलो शुरू करो अपना नृत्य।
गुणशेखर, तुम्हारे गुणशेखर का गुण अलग और शेखर अलग कर दिया। सुखी, जब तुमने मेरे पास आकर मुझे गले लगाया, तुम्हारी बातों में जो प्यार था वो तुम्हारे हाथों में महसूस नहीं हुआ। उस वक्त तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी धोखेबाजी समझ नहीं पाऊंगा? मैं सिंगोटियन हूं। क्योरे, मेरे महल में अपने प्रेमी को लाकर छुपा कर रखा और मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैं तुम्हारी हूं, मुझे तुमसे प्रेम है। मेरे साथ क्या मकारी का खेल खेल रही थी? तू भी अपने प्रेमी के पास जा, इसे चलाने की तैयारी करो। लका 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 लका। उसने चंद्रमुखी को राख बना दिया, इसीलिए चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन है। विद्या का जीवन तहस नहस हो गया। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने खुद को गुप्त कक्ष में बंद कर लिया और फिर एक दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उस कक्ष में उसकी आत्मा बंद थी। तुमने अनजाने में उस कक्ष को खोल दिया। कुछ साल पहले गंगा ने भी यही गलती की थी। उसने चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब वैट्या के सिंहासन पर बैठकर तुमने एक और गलती कर दी। वैट्या की आत्मा को अपने शरीर में आने का मौका दिया। दुर्गाष्टमी को चंद्रमुखी अपना बदला लेने आएगी गुणशेखर की मृत्यु का, क्योंकि उस दिन भी दुर्गाष्टमी थी। उसी दिन उसी समय पर चंद्रमुखी वैट्या का सिर धड़ से अलग करेगी। इसका मतलब जैसा गुरुजी ने बोला कि दुर्गाष्टमी वाले दिन दिव्या मेरा सर काटने वाली है। सही कहा। कल तुम दिव्या के शरीर में असली चंद्रमुखी को देखने वाले हो। गुरुजी, 17 साल पहले गंगा ने खुद को चंद्रमुखी समझकर ऐसा तांडव मचाया था मानो पूरे गांव में प्रलय आ गया। अब तो खुद चंद्रमुखी आ गई है। पता नहीं कौन सी कयामत आएगी। देवा, तू ही बचा सकता है। आ जाइए। मेरे शिकारी कुत्तों को लाया जाए। कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगी और उसी के साथ मेरा बदला पूरा होगा। आजा। लो जाओ। Oh!
भी कितनी खूबसूरत लगती है चंद्रमुखी। जब चंद्रमुखी अपने असली रूप में आ जाएगी तब गुरुजी अपनी शक्तियों से एक पवित्र घेरा बनाएंगे। तुम्हें लड़ते लड़ते उस पवित्र घेरे में पहुंचना होगा, फिर वेट्या की आत्मा को वश में करके उसे तुम्हारे शरीर से निकाल देंगे। तुम पहले जैसे हो जाओगे, वेट्या की आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी, पर चंद्रमुखी के लिए तुम वेट्या ही रहोगे। अगर चंद्रमुखी को पता चला कि तुम बेटिया नहीं हो तो वो खुद को मार डालेगी। इसे मार कर तुमने अपना बदला ले लिया है, अब छोड़ दो हमारी बेटी को, तेल डाल दो इस पे, और तेल डालो, बस करो, अग्नि लाओ, ये अग्नि लो और चला दो इसे, अपना बदला ले लो। तेरा सर काट के मेरा बदला पूरा हुआ। ये महल मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है। उस साधु ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? वेट्टेया ने चंद्रमुखी को जिंदा जलाया था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। महागुरु ने चंद्रमुखी की अस्थियों को उसके कक्ष में रख दिया था और वो भी अपनी मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें मौत नहीं आई क्योंकि उन्हें श्राप था कि जब भी उनकी मौत होगी वो चंद्रमुखी के हाथों होगी। ये परिवार कुलदेवी की पूजा करे ताकि महागुरु श्राप से मुक्त हो जाए। तुम्हारा यहां आना विधि लिखित था और देखो वही हुआ। नियति से कोई नहीं जीत सकता। सर्व मंगल मांगल्य